हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ की बैठक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परौर में जिला अध्यक्ष प्रीति सिंह राणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। राज्य सह अध्यक्ष सुभाष पठानिया व नरेंद्र पठानिया विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष प्रीति सिंह राणा ने नए ट्रांसफर एक्ट को रद्द करने के लिए सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अगर ट्रांसफर एक्ट बने तो इसे सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाए, न कि सिर्फ अध्यापकों पर। स्टेट सह अध्यक्ष सुभाष पठानिया व पंचरुखी ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने पुरानी पेंशन बहाली की भी पैरवी की। मेन मुद्दा था आज का, जो टीचर ट्रांसफर एक्ट बन रहा था उस पर चर्चा करनी थी सभी खंड प्रधानों और जिला कार्यकारिणी के सदस्यों की ओर से। क्या इसमें मुद्दे? हाँ, इसमें हमें समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है कि सरकार ने वो न्यू ट्रांसफर टीचर एक्ट पर काम करना बंद कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। और इस तरह का कोई एक्ट अगर बनता है जो टीचर हित के लिए है, स्टूडेंट हित के लिए है, शिक्षा हित के लिए है, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसके लिए टीचर संगठनों से व्यापक चर्चा होनी चाहिए और तभी इस पर कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। हमारी मांग ये भी रहेगी कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक जैसे ही स्थानांतरण नीति हो, न कि विभाग वाइज अलग अलग ट्रांसफर एक्टों का निर्माण हो। पठानिया ने कहा कि अगर 2008 में शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो सकती है तो 2003 के बाद कर्मचारियों की पेंशन क्यों बहाल नहीं हो सकती। एनपीएस जो एक ऐसा मासूर बन गया है कर्मचारी के लिए आज की डेट में कि अपनी रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी जो है अपना बसर करने में भी बहुत मुश्किल हो गई उसको। तो एनपीएस स्कीम जो है इसे सेंट्रल की स्कीम, प्रदेश बोर्ड का सेंट्रल स्कीम है, लेकिन सेंट्रल का कहना यह है कि प्रदेश सरकार भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकती है। हम चाह रहे हैं जब ये 2003 से लागू की गई किए हैं उन्होंने, उसमें अमेंडमेंट कर करके उसमें जैसे कि हमारा उदाहरण के तौर पर हमारा एजुकेशन बोर्ड, उसमें 2008 से पेंशन लागू की गई शिक्षा बोर्ड के अंदर, तो ये स्कीम हमारे कर्मचारियों को क्यों नहीं जा सकती है। हम चाहते हैं कि जो नो टेंशन पॉलिसी जो है, अगर हमारे जो एलिमेंट्री के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको फेल नहीं करना है। और आरटीई में ऐसा था, लेकिन आप उसमें अमेंडमेंट करके उसमें फेल करने का प्रावधान किया जा रहा है ताकि बच्चे उसमें और इम्प्रूव करे, तो न्यू टेंशन स्कीम में क्यों नहीं हो सकता, इसको पिछली ओल्ड स्कीम में क्यों नहीं लाया जा सकता। हम चाहते हैं कि सरकार सिंपैथेटिकली प्रदेश सरकार इसको ट्रीट करे, पेंशन स्कीम लागू करे और जहां तक हो सके केंद्र को भी इसके बारे में लिख करके भेजे ताकि हमारा आम जो कर्मचारी है इस ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आ जाए और अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। दूसरी तरफ पंचरुखी ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा कि आज के दिन पूरे देश में काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन पुरानी पेंशन को बंद करके न्यू पेंशन स्कीम को लागू करके कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था, जबकि अब आर्थिक बोझ का हवाला देकर इस अहितकारी स्कीम को लागू करने में सरकार अपनी असमर्थता जता रही है। संघ ने पूछा कि जब सांसदों के भत्ते में कई गुना वृद्धि हो गई है तब आर्थिक बोझ क्यों नहीं बढ़ा। अगर पेंशन बहाल करना मुश्किल है तो कम से कम सभी को समानता के अधिकार की रक्षा करते हुए सभी पर एक ही प्रणाली लागू की जाए। आज आपकी जो बैठक की गई, किन क्या मुद्दा, मुख्य मुद्दा क्या रहा आपका? आज सबसे पहले तो एनपीएस के ऊपर आज पूरे देश में काला दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के ही दिन जो नई पेंशन स्कीम थी उसको लॉन्च किया गया था और जिसके विरोध में पूरे देश में काले बिल्ले लगाकर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पीछे जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक बोझ है जिस कारण 2003 के बाद के कर्मचारियों की पेंशन बहाल नहीं हो सकती है, परंतु हम पूछते हैं कि अगर इतना ही आर्थिक बोझ है तो आज जो सांसदों के भत्ते 1,90,000 रूपये कर दिए, वो उसका अब आर्थिक बोझ जो पड़ेगा वो पैसा कहां से आएगा। आपकी क्या मुख्य मांग क्या रहती है? हमारी मांग यही है कि 2003 के बाद के कर्मचारियों की पेंशन बहाल की जाए, और या अगर पेंशन बहाल नहीं हो सकती है तो सबको एनपीएस के दायरे में लाया जाए।